गुरु दो प्रकार के होते हैं, एक आध्यात्मिक होते हैं जो असली गुरु माना जाता है। आध्यात्मिक का मतलब है हमारा जीवन केवल शरीर नहीं है, बल्कि शरीर के भीतर जो बैठा एक चेतन तत्व है, आत्मा है, सोल या रूह जिसे कहते हैं। सच्चे गुरु वही है जो यह दिखाते हैं कि तुम कहाँ से आए हो, तुम कहाँ जाओगे, तुम्हें किस लिए यहाँ भेजा गया है, किसने भेजा है और क्यों भेजा है। इंसान अनंत है, शैतान भी अनंत है, लेकिन भगवान के कई थे एक ही हैं और वो हर जगह हैं। क्योंकि यहाँ भी बच्चों को दूध दे रहे हैं, अमेरिका में, इंग्लैंड में, हॉलैंड में, पोलैंड में, कुतिया को, गधिया को, वगैरह सबको दूध देने वाला सब पर समान नजर रहने वाला परमात्मा, दैट इज सुप्रीम सोल, वही परमात्मा गुरु असली है। उसके बाद उसी राह को बड़े चलने वाले जो अच्छे लोग व्यक्ति हैं उसे महापुरुष को, सज्जन को भी गुरु कहना चाहिए। आज के गुरु स्वयं तो भोग विलासी हैं, उन्हें सांसारिक सुख की कामना है और उसी सुख कामना के लिए द्रव्य बटोर करके आज ऐसे करोड़पति बहुत से गुरु कहलाने वाले लोग हैं जो सुख संपदा लेकर के स्वयं तो सुख भोगते हैं और गरीब लोगों को पैसे जमा कर लेकर अपने भोग चलाते हैं। ऐसे उनको गुरु नहीं कहना चाहिए। ऐसे गुरुओं के तो गोस्वामी जी निंदा बहुत पहले कर दिया, मानस लिख दिया, हराई शिष्य सो कर न हराई सो गुरु घोर नरक मोह परी। जो गुरु नरक में जाएगा उसका चेला का फर्क जाएगा, उसे तो महानरक मिलेगा। अखंड मंडलाकारम व्याप्ते न चराचरम तदपदम दर्शितम एन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर देव महेश्वर गुरुरेव ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु हमारे जीवन में एक ऐसे उदाहरण के तौर पे आते हैं जो कि हमारे जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। जी हाँ, आज गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा के दिन ही कहा जाता है कि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। क्या इसका महत्व है, गुरु क्यों बनाए जाते हैं, गुरु का मतलब क्या होता है, हमारे साथ बात करने के लिए हैं कत्रासीन पीठाधीश्वर स्वामी राम प्रपन्नाचार्य। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अब के गुरु और पहले के गुरु में क्या कुछ अंतर है। साल में एक बार आषाढ़ी पूर्णिमा को लोग गुरु पूर्णिमा नाम से पुकारते हैं, इसलिए भी कि इसी दिन महाराज वेदव्यास जिन्होंने पुराणों की रचना की, जो पराशर जी के पुत्र माने जाते हैं, व्यास जी का भी अवतार इसी तिथि को हुआ था, इसलिए भी व्यास पूर्णिमा इसका नाम पड़ गया। व्यास पूर्णिमा कहें, गुरु पूर्णिमा कहें, ये एक ही तिथि है। संसार में गुरु शब्द बहुत पुराना है, वैदिक वाङ्मय में भी, वैदिक साहित्य में भी गुरु शब्द का प्रयोग हुआ है। हमारे यहाँ गुरुओं की परंपरा लंबी है, लेकिन आदि गुरु परमात्मा होते हैं, जिस भगवान ने संसार में आने के पहले माई की कोख में 9 महीना बचाया, और 9 महीना बचाया ही नहीं, सुरक्षा प्रदान करते हुए जन्म लेगा तो क्या खाएगा, जिसमें अमृतमय दूध प्रदान किया, वही असली गुरु हैं। भगवान जब कोई राह भूल जाता है और कोई सहारा नहीं दिखता है, एकाग्र होकर श्रद्धा विश्वास के साथ जो परमात्मा को याद करता है, वो गुरु बनकर भगवान जीवन की राह दिखलाते हैं और सफलता तक अंत अंत प्रोत्साहित करते रहते हैं। इसलिए आदि गुरु तो भगवान नारायण स्वयं है, भगवान है, परमात्मा है, जिसको चाहे अल्लाह कहे, खुदा कहे या जो कुछ कहें, हैं भगवान, असली गुरु वही है। कृष्णम वंदे जगत गुरु, संसार के गुरु वही है। बीच में उनसे साक्षात्कार होना ज़रा कठिन है, साधना क्लिष्ट है, क्योंकि मन की चंचलता संसार में भटका देती है। अब भटके हुए लोग दुख के दलदल में अटक जाते हैं, वे लाख कोशिश करके भी दुख से छुटकारा नहीं पाते हैं। ऐसे दुख से हाथ मानवता को त्राण करने के लिए एक मार्गदर्शक चाहिए, ऐसे जीवन की दुर्लभ रास्ता दिखाने वाले गुरु हुआ करते हैं। गुरु दो प्रकार के होते हैं, एक आध्यात्मिक होते हैं जो असली गुरु माना जाता है। आध्यात्मिक का मतलब है हमारा जीवन केवल शरीर नहीं है, बल्कि शरीर के भीतर जो बैठा एक चेतन तत्व है, आत्मा है, सोल या रूह जिसे कहते हैं। उस आत्मा का आविर्भाव, आत्मा का तिरोभाव क्या होता है, कैसे होता है, इन सारी बातों का, आत्मा की वास्तविकता को बताने वाले वही सदगुरु हैं, अच्छे गुरु, जिसका आध्यात्म गुरु कहते हैं। एक ऐसे भी गुरु हैं जो जीवन में रोटी कपड़ा मकान प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करते हैं, ऐसी विद्या ऐसी कला सिखलाते हैं, जैसे रोटी कपड़ा मकान की बिना तो जीवन की यात्रा निर्भेगी नहीं। इस यात्रा को सुलभ सुगर बनाने वाले भी होते, उनका असली नाम गुरु नहीं, उनका नाम अध्यापक है, शिक्षक है या प्रोफेसर का है। सच्चे गुरु वही है जो यह दिखाते हैं कि तुम कहाँ से आए हो, तुम कहाँ जाओगे, तुम्हें किस लिए यहाँ भेजा गया है,
किसने भेजा है और क्यों भेजा है। इन सारी प्रश्नों का समाधान करते हुए जो इसी राह से स्वयं जी रहे हों और इसी राह पर चलने को उत्प्रेरित करने में सक्षम हो, ऐसे अध्यात्म गुरु ही का नाम असली गुरु है। इसी गुरु शब्द की व्याख्या करते हुए कहते हैं, गुरु कहते अंधकार को और रूह कहते अंधकार दूर करना। गुरु शब्द त्वंधकार बाची, रू शब्द त्वन निरोध का अंधकार निरोधित गुरु रित विधि थे। जो कुछ कहते हैं कि भगवान से बढ़कर गुरु होता है, ऐसी बात है नहीं। भगवान से बढ़कर न कोई था, न कोई है, न हो सकता है। हाँ, भगवान की राह पर ले चलने की राह स्वयं दिखलाते चलते हुए होते, ऐसे गुरु होते। इसलिए भगवान से बढ़कर गुरु न थे कभी, न है, न हो सकते हैं। बीच में गुरुओं के ऊपर दत्तात्र एक ऐसे गुरु हुए जिनको आदि गुरु परमात्मा का अवतार अत्रि मुनि के पुत्र हैं, माता अनुसुईया कोख से पैदा लिए भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। दत्तात्रेय ऐसे सदगुरु है जिन्होंने गुरुओं के बारे में भागवत के एकादश संस्करण बताया कि जहाँ से आपको सच्चा ज्ञान मिल जाए, सच्चा ज्ञान वह है जो जीवन को भटके न दे और संसार के दुख दल्दल में अटकते न दे, उसे सच्चा गुरु कहते हैं। तो उन्होंने 24 गुरु का नाम लिया है। भगवान कृष्ण उद्धव जी को यह बताया है भागवत के एकादश संस्करण में। जैसे वृक्ष से सीखा कि वृक्ष स्वयं तो धूप में तपता है, पानी बरसात में भीगता है, जाड़ा में छुटता है, लेकिन आने वाले लोगों के लिए फल देता है, फूल देता है और अपनी छाया देकर ताप से संतप्त प्राणियों को राहत देता है। ऐसे वृक्ष को भी गुरु मान लेने वाले दत्तात्रेय थे। धरती को गुरु मान लिया, धरती तमाम सबको धारण करती है, चाहे इस धरती पर कोई फूल उपजाता हो या गंदगी फेंकता हो, कभी भी धरती अपमान नहीं करती है, धारण सबको करती है। ऐसे धरती से भी सीखा, वायु से सीखा कि वायु के पास अपना न सुगंध है न दुर्गंध है, लेकिन सुगंधित फूल से गुजरने वाली वायु सुगंध लेकर सब जगह बिखेर देती है और दुर्गंधी से दुर्गंध बिखेर देती है। ऐसे संत जो होते हैं निर्लेप होते हैं, अपना कुछ उनका नहीं होता है, जो कुछ हुआ संसार में दुखिया के सामने दुख व्यक्त करते हैं लेकिन उनका दुख नहीं है, सुखिया के सामने प्रसन्न होते हैं लेकिन उनकी प्रसन्नता नहीं, उनकी प्रसन्नता तो आत्मज्ञान से है। इसलिए वायु से सीखा, आकाश से सीखा निर्लेप रहना, आकाश से वर्षा होती है, आकाश से गर्मी पड़ती, सब कुछ होता है लेकिन आकाश न गर्म होता है न ठंडा होता है। ऐसे ही जो संसार के वातावरण से निर्लेप रह करके जीवन जीतते हुए आकाश को गुरु मान लेते हैं। ऐसे 24 गुरुओं के द्वारा यहाँ तक कि वेश्या को, पिंगला नाम की एक वेश्या को भी दत्ता से अपना गुरु माना। उसकी कथा भागवत को ही एकादश ग्रंथ में है कि वेश्या संसार के सुख भोगने के लिए प्रतीक्षा करते हुए दिन भर बैठी रह गई। संजोग से कोई उस दिन से न मिला तो रात में पश्चाताप करते सोचने लगी कि जिस तरह से मैं प्रतीक्षा करती हूँ सांसारिक सुख के लिए, अगर ऐसी प्रतीक्षा भगवान की ओर करती तो मेरा जीवन सुधर जाता और सदा शांति प्राप्त होती है। यह संसार निराश करने वाला है, इस निराशा से हट करके भगवान की आशा लेना कल्याण के। तो पिंगला वेश्या को भी गुरु मान लिया दत्तात्रेय ने। तो जहाँ से अच्छा ज्ञान मिल जाए, अच्छा ज्ञान वह है जो जीवन को सुचारू ढंग से सदाचार के राह पर ले चलने में मददगार हो, वो अच्छा ज्ञान सच्चा ज्ञान है। सच्चा ज्ञान प्रदान करने वाले गुरु होते हैं, ऐसे ही गुरुओं का नाम सच्चे माने में गुरु है। उन्हें प्रशंसा में कोई कह दिया हो भगवान से बढ़कर, भगवान से बढ़कर यज्ञ नहीं होते। भगवान तो भगवान अकेले हैं, संसार का व्यक्ति अनंत है लेकिन भगवान अकेले थे, इंसान अनंत है, शैतान भी अनंत है लेकिन भगवान तो एक ही थे, एक ही हैं और वो हर जगह हैं। जबकि यहाँ भी बच्चों को दूध दे रहे हैं, अमेरिका में, इंग्लैंड में, हॉलैंड में, पुलैंड में, कुतिया को, गधिया को, बकरे सबको दूध देने वाला सब पर समान नजर रहने वाला परमात्मा दैट इज सुप्रीम सोल, वही परमात्मा गुरु असली है। उसके बाद उसी राह को बदले चलने वाले जो अच्छे लोग व्यक्ति हैं उसे महापुरुष को, सज्जन को भी गुरु कहना चाहिए। जी गुरुदेव, आज के गुरु और पहले के गुरु में जी क्या अंतर है? आज के गुरु स्वयं तो भोग विलासी हैं, उन्हें संसारी सुख की कामना है और उसी सुख कामना के लिए द्रव्य बटोर करके आज ऐसे करोड़पति बहुत से गुरु कहलाने वाले लोग हैं जो सुख संपदा लेकर के स्वयं तो सुख भोगते हैं और गरीब लोगों को पैसे जमा कर लेके अपने भोग मिलाते हैं। ऐसे उनको गुरु नहीं कहना चाहिए। ऐसे गुरुओं के तो गोस्वामी जी निंदा बहुत पहले कर दी है, मानस में लिख दिया, हराई शिष्य सो कर न हराई सो गुरु घोर नरक महोपरी। जो गुरु नरक में जाएगा उसका चेला का फर्क जाएगा, उसे तो महानरक मिलेगा ही। ऐसे गुरु जो भोगवादी हों, संसार की भोगवासना में लिप्त हो, उसे गुरु कहना ही नहीं चाहिए, बल्कि गुरु का अपमान होगा, गुरु शब्द ही तिरस्कृत हो जाएगा यदि ऐसे व्यक्ति के लिए गुरु शब्द का प्रयोग किया। बिस्खल गाय को लघर कहना अज्ञानता है, ऐसे ऐसे गुरु करना ही नहीं चाहिए। सनातन धर्म को लेकर के किस तरह से और जागरूक करने की जरूरत? सनातन धर्म तो था, जो एक बार आवे और जाए वह सनातन धर्म नहीं हो, सनातन था
सनातन धर्म है और सनातन रहेगा। इसे सनातन इसलिए कहते हैं कि यह आत्मा और परमात्मा के संबंध का नाम है सनातन धर्म। आत्मा भी परमात्मा भी दोनों सनातन है। सनातन का मतलब होता है सदा से थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। ऐसा नहीं कि परमात्मा कोई बनाया हो और आत्मा को ही कोई बनाया, न आत्मा बनती है न परमात्मा बनते हैं, ये सदा से थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। इन दोनों का संबंध भी सनातन ही, सनातन आत्मा सनातन परमात्मा का संबंध का ही नाम सनातन धर्म है। यही धर्म दोनों को धारण किए हुए हैं और यही धर्म जैसे आकाश का धर्म तो नित्य ही होगा चूँकि आकाश नित्य है, ऐसे ही आत्मा परमात्मा नित्य होने से इनके धर्म का संबंध का नाम ही सनातन धर्म है, जो सदा से था, आज भी है, कल भी रहेगा। अब इसे धर्म का अभिव्यक्त करने के लिए सदाचार, नैतिकता या संस्कृति शब्द का प्रयोग किया जाता है।